नमस्कार किसान भाइयों, कृषि भाई के खेती समाचार बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रतीक, आपके साथ बड़ी खबरों की ओर रुख करने से पहले आइए देख लेते हैं क्या रही आज की हेडलाइंस। पानी का प्रबंधन करने शुरू हुआ एक्वा मैप, रुकेगी पानी की बर्बादी। सरकार ने कपास के रकबे का लक्ष्य बढ़ाया, बीज के 60 लाख पैकेट की व्यवस्था। काफल की पत्तियों से बनेगा बाम, माइग्रेन में मिलेगा लाभ। पशुओं को टीक से बचाने जैविक उपाय निजात, घर पर बना सकेंगे किसान। अब समाचार विस्तार से। कृषि में पानी के उपयोग के प्रबंधन और पानी की बर्बादी रोकने के लिए आईआईटी मद्रास ने एक्वा मैप की शुरुआत की है। एक्वा मैप जल प्रबंधन और नीति केंद्र के रूप में कार्य करेगा। यह कृषि कार्य में होने वाले पानी की बर्बादी को रोकने के लिए काम करेगा, ताकि भविष्य में पानी की समस्या से बचा जा सके। शुरुआत में यह पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 6 गांवों और कस्बों में शुरू किया जाएगा। प्रयोग सफल होने के बाद इसे कई जगहों पर विकसित किया जाएगा। इससे मिट्टी की गुणवत्ता और पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। हरियाणा के किसानों को कपास के काफी अच्छे दाम मिल रहे हैं। किसान बाजार में न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक कीमत पर कपास बेच रहे हैं। इससे किसानों का रुझान कपास की खेती की ओर बढ़ रहा है। इसे देखते हुए सरकार ने 19.25 लाख एकड़ में कपास की बुवाई का लक्ष्य रखा है। इसके लिए कृषि विभाग ने 60 लाख पैकेट बीटी कपास के बीज की व्यवस्था की है, ताकि सीजन में किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। बता दें कि कपास की एमएसपी 6025 रुपए प्रति क्विंटल है और किसान इसे 10 से 11000 रुपए प्रति क्विंटल तक बेच रहे हैं। काफल की पत्तियों से क्लस्टर विश्वविद्यालय मंडी के एसोसिएट प्रोफेसर और वनस्पति वैज्ञानिक डॉक्टर तारा सिंह ठाकुर ने एक आयुर्वेदिक बाम तैयार किया है। इस बाम के इस्तेमाल से बिना किसी साइड इफेक्ट के सर दर्द और वर्षों पुराने माइग्रेन और मस्तिष्क से संबंधित दूसरी बीमारियों में आराम मिलेगा। बता दें, इस खोज के बाद इस जंगली पौधे की भी खेती बढ़ेगी और इसकी मांग बढ़ने से किसान अच्छा लाभ भी कमा सकेंगे। टिक पशुओं में कई तरह की बीमारियां फैलाता है। टिक के प्रबंधन के लिए रासायनिक एक्रीसाइड का प्रयोग किया जाता है, जो काफी हानिकारक होता है, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने पशुओं को टिक से बचाने के लिए सुरक्षित उपाय खोज निकाला है। नेशनल फाउंडेशन ऑफ इंडिया के वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी विभाग के विशेषज्ञों ने नीम और नागौर से एक ऐसा फॉर्मुलेशन तैयार किया है जो मवेशियों को टिक से बचाने में कारगर होगा। इस फॉर्मुलेशन की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे किसान खुद भी बना सकते हैं। इससे पशुओं को होने वाली हानि से छुटकारा मिलेगा, साथ ही किसानों की लागत भी बचेगी। किसान भाइयों, आपको हमारा ये बुलेटिन कैसा लगा हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। खेतीबाड़ी और किसानी से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए बने रहिए कृषि फाइव के साथ। धन्यवाद।